और सुनाओ सब बढ़िया बैठे क्यों बे जंप कर कार। अबे लोग कुछ भी कहते हैं यार, कुछ भी बकचोदी बोल रहे हैं यार। मतलब फालतू में ये बरमूडा ट्रायंगल को बदनाम कर रखा है, अंडमान निकोबार के जनजाति को बदनाम कर रखा है। मतलब कहते हैं वहां जो जाता है वापिस ही नहीं आता। अभी अभी 15 मिनट पहले मैं जाके आया दोनों जगह से गूगल अर्थ से। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, जिंदा आ गया देख, वीडियो बना रहा है, समझ आया? तो सीधा खड़ा बताओ जमकर। शुरुआत में गाली देगा, रुक जा थोड़ी देर, वीडियो के एंड तक तो रुक जा, फिर देखियो उसमें ज्यादा बोला है मैंने। कौन है ये लोग? तुम्हें लग रहा था मैं गलत बता रहा हूँ? ऐसी गाली नहीं बने हम लोग, ठीक है? अबे मैं अच्छी बातों से शुरू करो तो भी तुम गाली दोगे, मैं गंदी बातों से शुरू करो तो भी तुम गाली दोगे। दुनिया का सबसे संस्कारी पुरुष मैं लड़की को जाके वन नाइट स्टैंड नहीं बोलता, मैं लड़की को बोलता है लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो। वन नाइट स्टैंड इन्नी बे ब्रो, मैं इतना संस्कारी कि मैं स्पैंक बैंक को स्पैंक बैंक बोलता ही नहीं बे। मेरे को बोलना होगा तो मैं गाना गा देता है। चट देनी मार दे ले खींच के तमाचा। मतलब सेम है दोनों का, दोनों का मतलब सेम है। न्यू स्वेटर, मुझे पता नहीं स्वेटर कहते जैकेट कहते जो भी कहते, बट सही लग रहा है देखने में, सेक्सी लग रहा है, तुम्हारा नजर ना लग जाए, मुझे काला टिक्का लगा लो, ज्यादा हो गया। Stop it. Get some help. तो मैं से बहुत सारे लोग चाहते हैं मैं केजीएफ के बारे में बात करूं। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ ट्रेलर से काफी एक्साइटिंग और प्रॉमिसिंग लग रही थी, और मैं बहुत खुश है इस बात के लिए कि एक्चुअली मैं सही था। अगेन केजीएफ बॉम्ब ब्लास्टेड, बूम बूम बूम, द बेस्ट फिल्म ऑफ 2018 केजीएफ, सलाम रॉकी बाय, ये साल तेरा बाय। मैं बता रहा हूँ यू कांट प्रूव मी रॉन्ग, क्योंकि मैं दिल से बोलता बाबा। तुम्हें पता था कि जो डायरेक्टर से जो प्रोड्यूसर से उस मूवी के वो कितना ज्यादा बिलीव करते इस स्क्रिप्ट में, इस मूवी में, कि उन्होंने डेट तक चेंज नहीं करी। शाहरुख खान की जीरो कंपटीशन में थी, मतलब सीरियसली जहां पे शाहरुख खान का कंपटीशन आता ना कोई दूसरा नहीं दिखता, बट फिर भी इन लोगों ने डेट चेंज नहीं करी, इनको इतना बिलीव था। और ये मूवी एकदम कंसिस्टेंट चल रही है, मतलब ये लोग कंसिस्टेंट में नहीं बेटर जा रही है परफॉर्मेंस में बॉक्स ऑफिस पे, सिर्फ 3 दिन हुए हैं, और गुड माउथ पब्लिसिटी जो कहते हैं ना, ये मूवी उसका लाइव एग्जांपल चल रहा है, जहां पे पैसे भी दिख रहे हैं, सक्सेस भी दिख रही है, करंटली आईएमडीबी पे रेटिंग भी दिख रही है ब्रो। और मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ, क्योंकि आई लव यश मैन, कम ऑन, जब मैंने उसकी मूवी देखी है, और मैंने लास्ट टाइम एक मूवी का नाम लिया था, तुम सारे दूसरी मूवी सजेस्ट करने लगे। अबे मैं मूवीज के बारे में बात कर रहा हूं ना, उसकी मैंने लिटरली उसकी बहुत सारी मूवी देखी, यूट्यूब पे जितनी अवेलेबल मैं सारी देख मारी उसकी मूवी, उसके बाद मैंने बात करी थी उस वीडियो में। बहुत प्रॉमिसिंग मूवी है, और अगर तुमने नहीं देखी और तुम प्लान कर रहे हो देखने का, इट्स बेटर गो वॉच केजीएफ rather than 02.0. इतना इंग्लिश काफी है क्या? चप चप चम कर, रुक जाओ सेकंड हाफ रुक जाओ। 90% से ऊपर लाइक रेशो चल रहा है केजीएफ का, और सी जब चीज अच्छी हो ना तो मेरे को भी बुरा नहीं लगता तारीफ करने में, बट अगर चीज उतनी अच्छी नहीं तो मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकता, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये कसम खा रखी है कि जब तक बोलेगा मैं सोच बोलेगा, सोच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर मुझे डिप्लोमेसी दिखानी होती और झूठ बोलना होता मेरा ऑफिस बहुत अच्छा था भाई। अच्छी खासी पॉलिटिक्स कर सकता हूं मैं, मतलब कोई बंदा था सुमित करके, पता नहीं कौन है, सेल्फ कॉल्ड मेरी तरह ही होगा, कुछ भी बोलता हवा में कुछ भी, मतलब उस बंदे ने ट्वीट किया था कि ये केजीएफ नहीं करेगी परफॉर्म क्योंकि शाहरुख खान है। अभी सारे लोग ढूंढ रहे इसको, कहां है रे, कहां है तू, अब बोलना मादक चो। मुझे लग रहा है तुम्हें भी लगता है कि मैं ज्यादा गालियां देने लग गया हूं वीडियो में आजकल। ये बंदा इतना हूतिया है ना, इतना हूतिया, क्योंकि इसने नसरुद्दीन शाह पे भी एक ट्वीट किया हुआ है। नसरुद्दीन शाह के पास पूरे हक है वो इंडिया में अनसेफ फील करें, अपने विचार प्रकट करें, उनका फंडामेंटल राइट है, और लोगों को उनको गालियां नहीं देनी चाहिए। बट माई एडवाइस सर, जाके आर्मी वालों पे पत्थर फेंको, प्रधानमंत्री को गाली दो, ये सारी चीज अपनी फेवरेट कंट्री में देख करके देखो, पता चल जाएगा कौन सी कंट्री सेफ है मेरे भाई। वे रुक जा, नसरुद्दीन शाह पे नहीं जाना, फ्यूचर से आके बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली 4 मिनट बाद तुझे यही फील आ रही होगी, रुक जा मेरे भाई रुक जा। सही कह रहा है बंदा, ये सही कह रहा बंदा। बैक टू द मेन टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फंस जाऊंगा मैं, रहने दो, कॉर्नर ही नहीं फंसना ही नहीं। बट मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ केजीएफ की सक्सेस से, और जितना प्यार को मिल रहा है वो कम्प्लीटली डिजर्व करता है। गुड माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए, और मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ कि जो टैलेंटेड बंदा यश उसको अप्रिशिएशन मिल रही है, जो वो डिजर्व करता है उसे वो चीज मिल रही है आज नेशन वाइज। ये मेरे ओपिनियन है, मैं बहुत एक्चुअली मैं दिल से खुश हूँ यश की सक्सेस के लिए, बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, फिर वीडियो लाइन में तुम लोग क्या सोचते हो मैन। अभी रिसेंटली एमी वंडा का नया गाना आया, जहाँ पे तुम में से बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए रिव्यू करना, रिव्यू का ये सेम चीज हुई मेरे साथ हनी सिंह के गाने के लिए और जीरो के रिव्यू के लिए, मैंने किया जम के गालियां पड़ी है मुझे, आज मैं फिर ये तुम्हारी बात मानूंगा और फिर मुझे जम के गालियां पड़ रही होंगी, माता रानी पाप दे तुम्हें, ऊपर से तुम लाइक भी नहीं करते, पाप लगे तुम्हें।
Why are we still here? Just to suffer. जैसे मैंने KGF की तारीफ करी वैसे MMA बंटाए का ये जंप कर एक्चुअली अच्छा गाना है। मैं दिल से बोल रही हूँ, सार्केज्म नहीं है, दिल से बोल रही हूँ बात। स्पेशली इंग्लिश फ्लो बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा सेंस बना है गाने में। 5-6 बार सुना, मैं कभी एक बार सुन के जज नहीं करता भी किसी चीज को। मैंने उसे बैक टू बैक सुना हुआ है एंड आई हैव टू से मैन, पहले से लाख गुना अच्छे लिरिक्स है। और ये नहीं कह रहा मैं गाने में कमियां नहीं है, गाने में कमियां है और मैं मजे ले सकता हूँ गाने से, बट ओवरऑल गाना फायर है। मतलब अगर मुझे चुनने को मिलेगा ना अभी हनी सिंह या MMA बंटाए, दोनों गाने में मेरा साथ MMA बंटाए। अब दे दो तुम गाली, अब बोलो मैं रफ्तार का चाटता। नहीं भाई, मैं कभी किसी की नहीं चाटता। अगर तुम काबिल हो उस चीज के लिए, तुम सही हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं दोस्ती यारी में क्यों नहीं रहता बे? अगर मेरे दोस्त होगे तुम गलत करोगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सही का साथ हमेशा दो, हमेशा सच बोलो, और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गलत साबित नहीं कर सकती। और ये गाना बहुत अच्छा है, बट अगेन मैं मजे लूंगा इस गाने के साथ। तो अगर तुम यहाँ तक MMA बंटाए के फैन थे तो यहीं छोड़ो क्योंकि आगे मैं मजे लेने वाला हूँ। लिटरली MMA बंटाए को भी पता होना चाहिए चीज कि मैं जो करता हूँ वो एंटरटेनमेंट है, मुझे करनी पड़ती है चीजें, बट इसका मतलब ये नहीं मैं हेट करता हूँ। मजे में लेना, नहीं समझ में आ रहा, जंप कर करना। अब नहीं मानेंगे। तो ये फुटेज है आज सुबह की, जब मैं पहली बार ये गाना सुन रहा था और मैं जोक बनाने की सोच रहा था। तो मैं कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा क्योंकि गाना एक्चुअली बहुत डोप है, लिरिक्स वाइज बहुत तगड़ा है, मिक्सिंग बहुत तगड़ी, और फ्लेम बॉय ने मार लिया गाने की अच्छे वे में भाई, डोप बीट है। मैं मेरे पंटर स्टूडियो में काम कर रहे, जम कर बीट पे है फ्लेम बॉय, खड़े नहीं रहने का, जम कर। अबे काम तू कर रहा है, म्यूजिक तेरा बंदा बना रहा है, तेरे को मेरे खड़े होने से क्या प्रॉब्लम है बे? ए, मैं काम कर रहा है, कैमरा स्टैंड पे है, माइक सामने खड़ा है, मैं बोल रहा है, खड़े नहीं रहने का, जम कर। और जम्प करते करते पीछे किसी ने डिल्डो डाल दिया, तो गलती किसकी होगी? किसकी होगी? ये मुझे लग रहा है या तुम्हें भी किसी को लगता है कि भाई इंग्लिश में ज्यादा सेंस बना रहा है जितना अब तक वो हिंदी में बना रहा था। तेरी लड़की देखी मैंने, खास नहीं भाई। साले तू बंदू के साथ वीडियो बना रहा है, उनके पास बंदी है। अबे इतने सत नहीं बने हम अब तक। तुम्हारा नहीं पता, मैं अपनी बोल रहा हूँ, तेरी बंदी नहीं, खास मैं बंदी तो है। ज्यादा हो जाएगा बीच को डाय, रिस्पेक्ट वैमेन, जंप 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 कर भाई, मैं कर रहा हूँ भाई मैं कर रहा हूँ। आज एक बात सच्ची होगी, तुम MMA बंटाए के साथ कभी पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जा सकते। लाइन में लगे हुए भाई को भूत चढ़ा, चल छोटे जंप कर। अबे सोच रहे पब्लिक क्या सोचेगी, चल छोटे जंप कर। ए अंकल तू चीटिंग करता, तूने कूदा है? आंटी कूदना बेटा, मेरे टांगों में प्रॉब्लम है, फर्क नहीं पड़ता अपने को, कूद, चल छोटे जंप कर। खिला तो कोई नहीं। सब यहाँ नसीब और खाते हैं, वेल डन ब्रो, प्राउड ऑफ यू। ए सार्केज्म लग रहा होगा मेरी बातों में, बट सार्केज्म है नहीं इन बातों में, मैं एक्चुअली तारीफ कर रहा हूँ उसकी। 2019 नाइस। अभी आज के बाद तुम में से कोई मुझे पूछेगा नहीं तू इतना कूदता क्यों है। भाई ने बोला, मेरा भाई ने बोला, चल छोटे दम कर। भाई सबको बता रहा जंप कर, पर जब लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका एक ही कमेंट होता है, कम कर कम कर। ओवर एक्टिंग होती है ये, मैं सबका मजाक उड़ाता हूँ, मैं अपना मजाक उड़ाता हूँ, समझो मजाक मजाक होता है बे। नहीं समझे, खड़े मत रह फिर, जंप कर। बहुत गालियां पड़ेंगी बढ़ गई। ये मेरे ओपिनियन में बिल्कुल जानना चाहूंगा, तुम्हें क्या लगता है, या तुम मेरे साथ एग्री करते हो कि हाँ ये गाना बहुत अच्छा है पहले के मुकाबले, सेंस बन रहा है गाने में और लिरिकली बहुत पावर्ड गाना है, फ्लो में कभी मेरे को उस पर डाउट नहीं था, फ्लो हमेशा फायर होता है उसका, मिक्सिंग बहुत तगड़ी है और इवन जो म्यूजिक है वो बहुत तगड़ी है। इसे कहते हैं ओवरऑल पैकेज, जो मैं हर चीज में देखता हूँ, जो हनी सिंह में मिसिंग था, हनी सिंह की कड़ियां जुड़ रही थी एक दूसरे में। मैंने हनी सिंह के लिए ये नहीं बोला था गाना फ्लॉप है, मैं बस ये बोल रहा था एवरेज से ऊपर है, ब्लॉकबस्टर नहीं है जितनी मेरे को एक्सपेक्टेशन थी, अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं जितना मैंने सोचा था। और सेम गोज विद दिस, गाना बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है, और अच्छा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज। और ये देखो कि लोगों को अभी भी लगता है मैं MMA बंटाए से नफरत करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, काम अच्छा है, तारीफ करेगा भाई, पार्शियलिटी नहीं करता मैं कभी किसी के साथ, खुल के बोलता है, स्वैग तेरे भाई का। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, फील फ्री टू लेट मी नो मैन। और इसी नोट पे नहीं रुकना, ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आज का नोटिफिकेशन शाउट आउट जा रहा है रमेश को। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा नाम इन वीडियो में आए, शेयर दिस वीडियो, टैग मी इन दैट पोस्ट, और क्या पता अगली वीडियो में तुम्हारा नाम भी आ जाए। और जस्ट इन केस तुम उन लोगों में तो शेयर नहीं करने वाले, और 24 तारीख को रात को 11:30 बजे लाइव स्ट्रीम करेंगे हम लोग, पक्का शेयर करो भी, गुड जयदा, क्योंकि आप ही कह रहे थे आपसे अगली मुकलातों की कल, तब तक के लिए।
Peace out. Hey, if you won't give it to me, I'ma take it. What? 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 What acting? What swag? Rocky by rocking. That's it.